नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा फिरोज तुगलक के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में और किस प्रकार वो शासक बना और किस प्रकार उसके समय जो कुछ शासन संबंधी दुविधाएं आई थी, कठिनाइयां आई थी, जैसे कि फिरोज शाह से पहले मोहम्मद बिन तुगलक था जो उसका चचेरा भाई था, वो उदारतापूर्ण नीति में विश्वास रखता था। उसने दोनों हाथों से खजाने को लुटाया था और उसकी जो योजनाएँ थीं, हालाँकि योजनाएँ अच्छी थी लेकिन योजनाओं को जिस समय लागू किया गया वो समय अच्छा नहीं था, जिसके कारण उसकी सारी योजनाएँ फेल हो गई थी। इन योजनाओं के असफल होने के कारण राजकोष रिक्त हो गया था। अब उस जब फिरोज तुगलक शासन व्यवस्था पर बैठा तब ये था कि राजकोष भी रिक्त था और प्रजा भी राजस्व, ग्रामीण तथा कृषि व्यवस्था के सुधार की दिशा में फिरोज तुगलक ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुल्तान ने कर नीति में जो परिवर्तन किए उसके आधार पर उसने ये रखा कि सुल्तान फिरोज के राज्यारोहण के समय भूमि के अतिरिक्त और भी अनेक कर प्रचलित थे। करों की बहुलता से लोग परेशान थे। फिरोज ने समस्त कर प्रणाली की पुनः व्यवस्था की और उसे सरह नियमों, धर्मालकलों नियमों के अनुसार बनाया। भूतपूर्व सुल्तानों के समय लगाए गए सभी उत्पड़िक और अवैध कर बंद कर दिए गए। स्वयं सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही में लिखा है कि उसने इस प्रकार के 23 या 25 करों को समाप्त करने का श्रेय लिया। फिरोज के शब्दों में, पिछली हुकूमत में तुच्छ, अवैध और न्याय के प्रतिकूल कर राजकोष में जमा कर दिए जाते थे। इनके नाम थे मंदबी, दलालत, बजारा, जाजरी, अमीरे, किताबी, नीलगरी, माही इत्यादि थे। इन सबको उसने बंद कर दिया। सुल्तान द्वारा करों की समाप्ति वास्तव में एक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी कदम था, जिससे सुल्तान के ध्येय की पुष्टि होती है। अपरिमित कोष से जनता की श्रमदी अधिक महत्वपूर्ण है। फिरोज के शासन में राज्य की ओर से कुरान समस्त केवल 4 प्रकार से ही कर जनता पर लगाए गए, जजिया, जकात, खिराज और खमस। इनके अतिरिक्त और सभी कर बंद कर दिए गए। भूतपूर्व सुल्तानों के समय ये नियम चला आ रहा था कि सुल्तान लूट के माल का 4/5 लिया करते थे और 4/5 सैनिकों को देने तथा 1/5 राज्य को लेने का निश्चय किया। सुल्तान ने 36 कारखाने स्थापित किए जिसमें अनेक प्रकार का सामान तैयार होता था। अधिकांश सामान सरकारी उपयोग में आता था, तथापि अतिरिक्त सामान की बिक्री से सरकार को कुछ आय भी प्राप्त होती थी। मॉरल के अनुसार फिरोज की ग्रामीण व्यवस्था, मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था में तुगलककालीन ग्रामीण व्यवस्था, राजस्व और कृषि सुधार का अच्छा वर्णन मिलता है। समकालीन स्रोतों का गहन अध्ययन कर मॉरल ने अपने कुछ निष्कर्ष प्रस्थापित किए। मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था को जानने के लिए हमने यहाँ एक आधिकारिक ग्रंथ भी है। मॉरल के अनुसार राज्यारोहण के बाद सुल्तान फिरोज ये देखकर विशेष चिंतित हुआ कि लगान का महकमा एकदम अव्यवस्थित हो गया था, अतः उस विभाग के वजीर का पहला काम ये निश्चित किया गया कि वे इस महकमे को पुनर्गठित करें। दोआब अर्थात नदी प्रदेश लगभग उजड़ चुका था, अतः उसकी दशा में सुधार के प्रयत्न किए गए। जिन लोगों के हाथ में लगान वसूली का काम था उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था जनजीवन कैसा चल रहा था, लगान के नियम और उपनियम क्या थे, अधिकाधिक उन्हें लाभ से मतलब था। तो फिरोज ने इस बटाई प्रणाली प्रचलित की और मोहम्मद तुगलक के स्थान पर नाप की प्रणाली भी चालू रखी। यह संभव है कि कुछ बातें इसमें सुनी सुनाई लिखी गई हो, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि फिरोज तुगलक ने किसानों की
करता है। सूबेदारों की नियुक्ति व्यक्तिगत चरित्र के बल पर दी जाती थी, सट्टेबाजी के बल पर नहीं। जो अयोग्य और बेईमान होते थे उन कर्मचारियों को निकाल भी दिया जाता था। सुल्तान फिरोज ने इस संबंध में गयासुद्दीन तुगलक का अनुसरण किया। उसने प्रजा में पहले से व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए साथ ही राज कर्मचारियों की तानाशाही पर अंकुश रखने के लिए यह आदेश भी निकाला कि लेखा निरीक्षण का कार्य नरमे से किया जाए। जो लगान या कर वसूल किया जाना है उसे भी वसूल करने में कठोरता नहीं बरती जाए। इस प्रकार से फिरोज तुगलक ने शासन व्यवस्था में सुधार किया। जागीर प्रणाली और राज्य की आय की प्रणाली में भी उसने सुधार किया। फिरोज तुगलक ने अलाउद्दीन द्वारा बंद की गई जागीर प्रणाली को पुनः प्रचलित किया। समस्त साम्राज्य को जागीरों में विभक्त किया तथा इन जागीरों को जिलों में बांटा गया। इन जिले कर्मचारियों को प्राप्त हुए जो मध्यकालीन यूरोप के सामंत के समान थे, जिससे वे विशाल धनराशि एकत्र करने में समर्थ हुए। फिरोज की जागीर प्रणाली को स्पष्ट करते हुए मॉरल ने लिखा है, जागीरदारों का महत्व सूबेदारों के लिए उतना नहीं था जितना खेतिहारों के लिए, क्योंकि बादशाह जागीरदारी प्रथा को बहुत पसंद करता था। कर्मचारियों के वेतन पहले सिक्कों में तय कर लिए जाते थे, ये वेतन काफ़ी ऊँचे होते थे। बाद में जितनी भूमि से वेतन के बराबर लगान प्राप्त होता था उतनी भूमि कर्मचारी को जागीर में दे दी जाती थी। सैनिकों को छोटी छोटी जागीर देने की प्रथा फिर से शुरू किया गया। जागीर में लगा हुआ था क्योंकि इसको यदि सही मान लिया जाए तो प्रश्न उठता है कि खुद बादशाह की गुजर कैसे हो। इस प्रकार उसने जागीरदारी व्यवस्था को पुनः लागू किया। फिरोज वक्फ देने में के मामलों में बहुत उदार था। अपने पूर्ववर्ती बादशाहों द्वारा समाप्त किए गए वक्फ को उसने चालू किया। अपने शासन के प्रारंभ के वर्षों में उसने बहुत से नए वक्फ बखस। इतिहासकार अफीफ के अनुसार उसके दरबार में नित्य ही विभिन्न उम्मीदवारों को वक्फ दिए जाते थे। उसके कथानुसार 170 वर्ष प्राचीन वक्फ चालू किए गए, परंतु इतने वर्ष पहले दिल्ली में मुस्लिम मान सल्तनत कहाँ थी, इसलिए उसके वर्णन को अधिक विश्वास करना नहीं है। परंतु इतना विश्वसनीय कि फिरोज ने उन सभी वक्फों को मान्यता दे दी जो उससे पहले किसी भी मुसलमान शासक द्वारा चालू किए गए। उन सभी वक्फों उसने अपना कर्तव्य समझा। फिरोज की स्वयं की लिखी हुई पुस्तक के परिचय में भी इसकी पुष्टि होती है। बादशाह ने स्वयं लिखा कि उसने सभी वक्फ दावेदारों को अपने अपने प्रमाण व गवाह उपस्थित करने का आदेश दिया जो कहते हैं कि उनको कभी वक्फ मिली हुई परंतु बाद में जब्त कर ली गई। इस आदेश के साथ बादशाह ने प्रतिज्ञा की यदि प्रमाण पुष्ट होते किसी को भी निराश नहीं किया जाएगा। इसी के काल से वक्फ ने इस प्रकार वैधानिक अधिकार का रूप धारण किया, परंतु यह अधिकार स्थायी न हो सका क्योंकि मुगल बादशाहों ने इसके विषय में किसी प्रकार के नियम का बंधन स्वीकार नहीं किया। उस काल में वक्फ किसी का अधिकार न होकर दाता की इच्छा मात्र पर निर्भर करता था। वक्फ से इनाम से मतलब है यहाँ पे। फिर हम यहाँ लेते हैं कि फिरोज तुगलक के हिंदू सरदारों के साथ संबंध अच्छे थे, परंतु उनकी स्थिति क्या थी ये पता नहीं चलता है। केवल अवध के दो सरदारों का अभिलेख उपलब्ध है। एक बार जब बादशाह बंगाल के विद्रोह दमन के लिए जा रहे थे तो अवध से होकर गुजरे। इस प्रांत के दो सरदार विरोधी हो गए, अर्थात उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। इनमें से एक का गोरखपुर का सरदार रॉय, दूसरा खरोसा का रॉय। पहले वे अवध के सूबेदार को लगान दिया करते थे, परंतु बाद में उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। उन्हें जब बादशाह का वहाँ से गुजरने का समाचार हुआ तो वे कर लेकर उपस्थित हुए, बादशाह को बहुमूल्य भेंट दी। बनी
ने उन्हें बकाए के रूप में कई लाख भी दिए। भविष्य में पूर्व निर्धारित लगान देने का वचन किया। अपने देश में स्थिति पड़ाव तक वे बादशाह के साथ रहे। उनके अधीनता प्रदर्शन के कारण सेना को बादशाह का आदेश मिला। उनके क्षेत्र में एक भी गांव नहीं लूटा गया। यदि इस क्षेत्र का कोई भी पक्षु पकड़ लिया गया हो तो उन्हें छोड़ दिया जाए। हम इस घटना को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। मोहम्मद तलक के समय में शासन ढीला हुआ था। अधिकांश सरकार विरोधी हो गए थे। जब उन्होंने शाही सेना का मुकाबला करने में असमर्थता पाया तो अधीनता स्वीकार कर ली और पुराने इकार नामक को नवीनकरण कर लिया। परंतु हम ये देखते हैं कि उनके देश के गांव को लूटे बिना जाना और पशु छीन नहीं लेना। तो यहाँ पर ये होता है कि इसके हिंदू सरदारों के साथ संबंध फिरोज शाह के कहीं ना कहीं अच्छे थे। खेतियों के प्रति दृष्टिकोण फिरोज शाह तुलक का ग्रामीण व्यवस्था में अच्छा रुचि थी। उसने गियासुद्दीन के समान ही फिरोज ने प्रशासन का लक्ष्य कृषि की उन्नति की ओर उपज की दर बढ़ाना। इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सुल्तान की इच्छा थी कि राज्य किसानों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करे। मॉरल का कथन है, यदि समकालीन लेखकों के अत्युक्तिपूर्ण वर्णन को छोड़ दिया जाए तो पता चले ये नीति किसानों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार के अमल भी पाई जाती है, जिसके परिणाम खेती की उन्नति होती रहे, खेती हर लोग संपन्न रहे। सुल्तान फिरोज ने खेतों की उन्नति के लिए काफ़ी प्रयास किए। दूसरे सुल्तानों की तुलना के दौरान एक कदम आगे बढ़कर सिंचाई की सुविधाओं के लिए उसने नहर खुदवाई, जिसमें लगभग 160 मील लंबे क्षेत्र की सिंचाई होने लगी और नहरों के किनारों पर किसानों की बस्तियां बस गई। इन नहरों से नए बसे हुए नगरों की जल उपलब्धि भी प्राप्त होती है, कि कृषि विकास में योग मिलता है। अफीक के अनुसार वर्षा ऋतु में सुल्तान ये भी जानने का प्रयत्न करता है कि नहरों के कारण यदि कहीं बाढ़ आ गई हो तो उसका विस्तार कितने क्षेत्र में हुआ। जब उसे पता चलता है कि जल का फैलाव देश दूर दूर तक हुआ है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुलक वंश का एक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया और नहरों की सिंचाई के लिए अथक प्रयास किए। किसानों को लगान निधान बटाई प्रथा से होता था। प्रत्येक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लगान की मात्रा स्वयं स्वयं वृद्धि होती थी। सिंचाई साधन सुलभ होने से उपज की वृद्धि भी होती थी। सिंचाई कर भी दिया जाता था और सिंचाई की सुविधा के बदले किसानों को दोहरा कर चुकाना पड़ता था, लेकिन कर इत्यादि नहीं थे, उनके उपज के आधार पर थे। फिरोज शाह एक ऐसा शासक था जिसने सिंचाई करोपण व्यवस्था की कर्जियों से प्राप्त हुई ये कोई प्रथम घटना नहीं थी। उसने अपने शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था को उत्तम कर लिया था। फिरोज शाह की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद साम्राज्य लगभग नष्ट भ्रष्ट हो गया था। 15वीं शताब्दी के पूर्व कोई भी ऐसा मुस्लिम शासक नहीं हुआ जिसे वास्तव में सुल्तान कहा जा सके। दक्षिण भारत में खाना देश मालवा बंगाल गुजरात सभी छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। इस युग में संगठित शासन का इतना अभाव था कि मॉरल ने तत्कालीन किसी भी प्रकार की ऐसी ग्रामीण व्यवस्था का वर्णन करना असंभव माना है जिसे कहा जा सके। फिरोज शाह की गृह नीति के रूप में फिरोज तुलक एक शांतिप्रिय शासक था जो बावजूद अपनी गहन दुर्बलताओं तथा अपने शासन सुधारों के कारण मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। शासन के क्षेत्र में अपने पूर्ववर्ती कुछ महान सुल्तानों की अपेक्षा उसमें बहुत कम योग्यता थी। रक्त और तलवार के उस युग में यद्यपि उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी, तथा सार्वजनिक हित के कार्यों में उसकी दयालुता और महानता हमें स्वीकार करनी होगी। उसने प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए सराहनीय प्रयत्न किए जिनसे कृषि को प्रोत्साहन मिला, व्यापार की असाधारण उन्नति हुई, वस्तुओं के मूल्य घटे तथा आर्थिक समृद्धि का प्रसार हुआ। शेरशाह सूरी से पहले ही वही एक ऐसा सुल्तान था जिसने सार्वजनिक कार्य शुभारंभ किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह एक आदर्श शासक बनने में असफल रहा क्योंकि सैनिक और प्रशासनिक की दुर्बलताओं के अतिरिक्त उसकी धर्मदत्ता उसकी नीति है धर्म के प्रति वो कलंक बन गई। फिरोज के शासन में हिंदू प्रजा उतनी लाभान्वित नहीं हुई जितनी मुस्लिम प्रजा। कुछ दृष्टियों से होते हुए हिंदू दशा की तरह की शोचनीय स्थिति हो गई। उसके सभी अच्छे कार्यों पर धार्मिक संकीर्णता का प्रभाव छाया रहा। आदर्श शासक बनने के स्वप्न उसकी धर्मंधता की नीति ने उसके स्वप्न को
का चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से सफल शासक कहना कठिन है। तलवार और आतंक के क्षमा, उदारता और सहनशीलता का शासन स्थापित करने का निश्चय किया। उसने शहर फिरोजाबाद के सामने दरबार के महल बड़े गुंबद पहले यह अंकित कराया कि पिछले सुल्तान ने मलिक छंद को अपना पथक प्रदर्शक मान दी। यदि तू अपने राज्य को स्थायी रखना चाहता है तो तलवार को विश्राम नहीं देना चाहिए। फिर इसके नीचे सुल्तान ने ये लिखवाया, पिछले सुल्तान इसके अनुसार आचरण करते हुए इस बात पर ध्यान नहीं देते कि राज्य का स्थायी रहना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। वे ये नहीं जानते कि बेचारी माता कितने कष्टों से अपने बालक को जन्म देती है और 9 माह के गर्भ में उसको पालती है और बड़ा करती है, उसके जन्म पे कष्ट सहती है। अतः किसी के प्राण एकाएक लेना उचित नहीं है। इसके बाद सुल्तान फिरोज ने यह भी लिखवाया कि वह आज इस बात दृष्टिपात करे कि दयालु माता ने अपने उस पुत्र के लिए कितना कष्ट उठाया है। पुत्र या पुत्री को हमें किसी भी बेवजह किसी भी इंसान को नहीं मारना है। ये फिरोज शाह तुगलक की नीति रही। तो हम देखते हैं कि तुगलक वंश में एक महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक भी महत्वपूर्ण था, योग्य था, लेकिन इतिहास में वो योग्य सिद्ध नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक उदार था, प्रजा के उसने कर भी माफ़ किए थे, लेकिन आदर्श शासक तो वो भी नहीं बन पाया क्योंकि उसकी कुछ धर्मबद्धता की नीति के कारण उसे हम आदर्श शासक की उस कोटि में नहीं रख सकते। तो बच्चों आप यहाँ पर ये नोट करेंगे कि कुछ प्रश्न इसमें से बनते हैं कि तुगलक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने बागों का 1200 बागों का निर्माण करवाया, यानी बाग लगवाए, कौन सा ऐसा शासक था जिसने नहर व्यवस्था उत्तम करवाई, कौन सा ऐसा शासक था जिसने फुतात ए फिरोज लोगों की जो कर थे उनको उसने माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं एक एक नंबर के, आप इन प्रश्नों को नोट करेंगे और अलग से अपनी डायरी में एक एक नंबर के आंसर उसमें लिखेंगे। धन्यवाद।